गुड मॉर्निंग सर. हेलो. मैं और मेरे हस्बैंड भी आएंगे. हम लोग भी बिल्कुल टाइम पर आ जाएंगे. जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम ऑडियो कॉल कर लेंगे. डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इस सिचुएशन में तो आना ही चाहिए. ये छोटी बात नहीं है. यस, पेरेंट नंबर 10 को स्पेशल थैंक्स. वी विल सून फाइंड आउट कि क्या चल रहा है. हेलो, वियान सर और कथा यहाँ पर हैं. उनसे बात करने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोग वहाँ पे जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका मुझे पक्का बिल चाहिए. हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? कैसा था आप लोगों का फर्स्ट साइट विजिट? आई होप आप लोग माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. बिल्कुल सर. गुड. और वानिया, मैंने आपका मेल पढ़ा. गुड ऑब्जर्वेशंस. मैंने उस पर रिप्लाई भी किया. रिसीव सर, थैंक यू. सॉरी सर, कौन सा मेल? हमें तो कुछ नहीं पता. वान्या, अगली बार मेल पे अपनी टीम के भी ऑब्जर्वेशंस भेजना और सबको मार्क करना. कीप एवरीबॉडी इन द लूप. श्योर मैम, मैं ध्यान रखूंगी. ओके गाइस, मुझे कहीं जाना है. आई विल बी बैक इन एन आवर. ओके सर, थैंक यू. टेक केयर ऑफ ऑल द कॉल्स. या. वानिया बेटा, लोनावला में मौसम कैसा है? तुझे मजा तो आ रहा है ना? अच्छा, विराज है ना तेरे साथ? सुन, अपने पापा के आसपास ही रहना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुझे. हाँ मम्मा, बिल्कुल उनके पास ही रहूंगी. गुड गर्ल. सीमा, एक सेकेंड, में वानिया से कुछ जरूरी बात करनी थी. हाँ वानिया बेटा, आप मम्मा की चिंता बिल्कुल मत करना. मैं हूँ यहाँ उनका पूरा ख्याल रखने के लिए. आप बस अपने काम पे फोकस करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? जी अंकल, मेरा फोकस पूरा है, पूरा फोकस है मेरा. वियान सर को मैं अपनी पोटेंशियल दिखा के रहूंगी. उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कितनी काबिल हूँ. गुड, बाय. कविता, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो. आरना, कियारा, यहाँ आना बेटा. दादी. क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कितनी देर पढ़ाई करोगे? अब थोड़ी देर दादू और योहान के साथ खेलो. आरना जाके जंगल ले क्या? अब बताइए ना, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करें. कविता, दादू, चलिए ना हम लोग जेंगा खेलते हैं. हाँ बेटा, 10 मिनट. क्या कर रही हो तुम? जब भी तुमसे बात करने के लिए आता हूँ, कभी योहान को मेरी गोदी में पकड़ा देती हो, कभी कियारा आरना को बुला लेती हो. ये चक्कर क्या है? मैंने देखा कि जब बच्चे आसपास होते हैं आप मुझसे सॉफ्टली बात करते हैं. तो और क्या करूँ, चिल्लाऊं बच्चों के सामने? ऊंची आवाज से डर जाते हैं बच्चे. सेंसिटिव होते हैं. बड़े भी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी ऊंची आवाजों से चोट लगती है, दर्द होता है. प्लीज जल्दी बताइए क्या बात है. बच्चे क्या करने वाले हैं इन पैसों का? मेरा बेटा तो मुझे कुछ बता नहीं रहा है. हाँ हाँ, बताइए ना, चल क्या रहा है इन बच्चों के बीच? और आपको कैसे पता है इन सब के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको रिलैक्स करना होगा, राइट? मैंने जो मैसेज भेजा था, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा है, पर उसे समझा नहीं. मैंने ये कहा था कि मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई है, और प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम हम बड़ों में. एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक पेरेंट होने के नाते हम सब अपने बच्चों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत पोजेसिव रहते हैं. पर सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या पता आपके बच्चों ने
एक अच्छे काम के लिए ये पैसे कलेक्ट किए हैं? किसी ने ऐसा नहीं सोचा। एक पेरेंट ने शक किया तो सबके शक की सुई खड़ी हो गई। गाइस, ये बच्चे एक क्लासमेट के लिए बास्केटबॉल शूज लेना चाहते हैं। दैट्स इट। ये जो फादर्स एंड सन्स गेम हो रहा है, उसके लिए वो चाहते थे वो उसे ये शूज एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दे। तो बच्चों ने हमें बताया क्यों नहीं? हम उनके लेकर आ जाते। नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन, पर आपके बच्चे ये नहीं चाहते कि उनके दोस्त या उसके पेरेंट्स को गरीबी महसूस हो। वो चाहते कि वो उसे ये गिफ्ट दे और बात यहीं ख़त्म हो जाए। तो जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। बात बाहर निकली और यहाँ तक आ गए। आप लोग इस डर से अपने बच्चों पर शक कर रहे थे कि कहीं वो कुछ गलत ना कर रहे, और आपके बच्चे इस डर में छुप रहे कि कहीं उन्हें डांट ना पड़े, कि कहीं अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उनके दोस्त को हर्ट ना हो या उसके पेरेंट्स को हर्ट ना हो। लेकिन उसके पेरेंट्स वो यहाँ है नहीं। मैंने कंफर्म करवा लिया, वो एक्चुअली वर्किंग पेरेंट्स है, इसलिए एक्चुअली मैंने इस ऑड टाइम पे ये मीटिंग रखी थी। आई एम हैप्पी कि बच्चे कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, पर ये तरीका ठीक तो नहीं है, और बच्चे हमसे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। पर इनके बच्चे ने तो सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे पूछा आपने अपने बच्चे से ये सब? कैसे उसने उगल दिया सब कुछ? डराया तो हमने भी बहुत था अपने बच्चे को। स्टॉप राइट देयर। बस यही तो नहीं करना है। डर की वजह से बच्चे हमसे बातें छुपाते। अगर हम उन्हें कंफर्टेबल करा देना तो उनका डर भी चला जाएगा और शायद जस्ट शायद वो हमसे बातें शेयर करने लगेंगे। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे की हर बात या हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें जो पसंद आए ना उस बात को भी समझना चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए। कम्युनिकेशन हम करते ना हर रोज हमारी वर्क प्लेस में, बातचीत, सिर्फ बातचीत एक लौता रास्ता है। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। नो बट आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इतने ऑड टाइम पे यहाँ बुलाया। एक्चुअली मुझे भी ऑफिस जाना है अभी। बट गाइस, सीरियसली थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज जस्ट प्लीज अपने बच्चों से प्यार से बात करिए, वो आपको सब बता देंगे। आप संडे को फ्री हैं? सॉरी, आपने तो बच्चों की पूरी साइकोलॉजी समझ ली है। अगले संडे हमारी क्लास ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई क्लास वास नहीं, इट्स जस्ट आई रीड अ लॉट। या थैंक यू। थैंक यू। अच्छा है, काला नमक कैसे मिल गया आपको? बस तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बोल दिया, मैंने नहीं बनाया। तो मुस्कुरा दो, माफ कर दो यार। अच्छा भाई, मैं मानता हूं अपनी गलती, मुझे ऐसे चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। बात सिर्फ उतनी नहीं है कैलाश, आपके बोलने का तरीका और आपने जो बोला उससे बहुत दुख हुआ मुझे, बुरा लगा मुझे। कविता, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आरोप लगाया आपने मुझ पर, आपने मुझे कहा कि मैं आपसे बातें छुपाती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, रोज आप भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलते होंगे, मैं तो ये उम्मीद नहीं रखती ना कि आप हर चीज आकर के मुझे डिटेल में बताएं। मुझे तो ये लगता है कि कोई बात बताने वाली होगी तो आप खुद ही आकर बता देंगे मुझे। लेकिन
क्योंकि मैं पत्नी हूं, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं हर चीज आपको रिपोर्ट करूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।